विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिषद मसूरी ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस मौके पर गांधी चौक से कैमल बैंक तक रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। वहीं नगर पालिका के अधिकारियों ने निर्माणाधीन MRF सेंटर और बायोमेथेन प्लांट का भी निरीक्षण किया। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर देश भर में अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगरपालिका परिषद मसूरी ने गांधी चौक से कैमल बैग तक स्वच्छता अभियान चलाया और रैली निकालकर साफ सफाई का महत्व लोगों को बताया। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और पालिका अधिकारियों ने IDH बिल्डिंग के निकट बन रहे MRF सेंटर और बायोमेथिन प्लांट का निरीक्षण किया। अनुज गुप्ता ने कहा कि बहुत ही जल्द MRF सेंटर और बायोमेथिन प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे और यहाँ के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, एक सराहनीय पहल पालिका द्वारा की गई है, जिसमें सबसे पहले हमने गड्डी खाने को बंद करने का कार्य किया है। उसके बाद जितना कूड़ा यहाँ पर आ रहा था, इसको रिसाइकल करने के लिए हमारे द्वारा एक प्लांट लगाया गया है। दो प्लांट यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जिसमें एक ड्राई वेस्ट के लिए MRF सेंटर यहाँ बनाया जा रहा है और दूसरा बायोमेथेन प्लांट यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिससे गीले कूड़े से बिजली बनके तैयार होगी। जितना भी मसूरी से वेस्ट निकलता है वो सब यहाँ पे जीरो वेस्ट हो जाएगा। जितना भी कूड़ा है सारा यहाँ बिक गया, पालिका की इनकम होगी और जो लाखों रुपए महीना पालिका का शीशमबाड़ा और इधर उधर कूड़े को भेजने में लग रहा था, उससे पालिका को निजात मिलेगी। देखिए, मसूरी में IDS पेस्टिस हमारा MRF सेंटर और बायोमेथेन प्लांट का वो बन रहा है, संयंत्र तैयार हो रहा है, जिसमें मसूरी का समस्त आने वाला मिक्स कूड़ा यहाँ पर MRF द्वारा छटनी करके इसको नीचे बायोमेथेन में डाला जाएगा, जहाँ पे इससे खाद बनेगी। खाद बनने के बाद इसके द्वारा हमारे द्वारा बिजली बनाई जाएगी जो 25 KV की होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।